दो, आप देख रहे हैं वाराणसी के कैंट स्थित काशी विद्यापीठ के गांधी अध्ययन पीठ पर भारतीय जनता पार्टी उत्तरी विधानसभा द्वारा आयोजित प्रबुद्ध सम्मेलन पर क्लाउन टाइम्स की विशेष कवरेज। महेश भैया हम सब सौभाग्यशाली हैं, हम कार्यकर्ताओं के लिए यह सौभाग्य। जनता थी जब हमला करता था विदेशी, तब वहां की जनता मूर्ख दर्शक बनी थी और यह जनता था जो जीतेगा उसको राजा मान लेंगे। अगर जनता संघर्ष की होती तो शायद हम कई बार गुलाम ना होते। ठीक उसी प्रकार से लोकतंत्र में हमारे कुछ लोग जब खड़ा रहते हैं कि जिसकी सरकार होगी हम सब उसके खड़े हो जाएंगे, यह बुद्धिजीवियों की सोच नहीं होती है। तब तक भगवान अवतार लेंगे यह सोच कायर की होती है। मही राम हूं मही कृष्ण हूं, और जब तक देश में अत्याचार हुआ है तब तक मेरा जन्म हुआ है, यानी बुद्धिजीवी का जन्म हुआ है। देश के अंदर आजकल एक होता है भू माफिया, था हो गया गुमराह माफिया। गुमराह क्या कर रहा है कि मिसगाइड कर रहा है भारत के नौजवानों को, मिस गाइड करके कि एनआरसी आएगा और देश के मुसलमान निकाले जाएंगे, सीए आएगा मुसलमान निकाले जाएंगे, किसान भी आएगा किसानों का नुकसान होगा, किसान भी से किसानों का इनकम दुगना होने जा रहा है। हो गया जो मिस गाइड कर रहे हैं, इनके बीच में किसी का पार्ट है तो आप जैसे बुद्धिजीवियों का है। आज जैसे प्रधानमंत्री वाराणसी मोदी जिस ढंग से हमारी विधानसभा के लोकप्रिय विधायक और प्रदेश सरकार में मंत्री माननीय रविंद्र जायसवाल जी, हमारे महानगर के अध्यक्ष विजयसागर जी, महानगर के प्रभारी संतोष पटेल जी, हमारे विधानसभा के प्रभारी प्रदेश के हमारे कोषाध्यक्ष मनीष कपूर जी, यहाँ पर उपस्थित सभी कार्यकर्ताओं का कार्यक्रम होता है तो इसलिए मुझे कार्यकर्ताओं के ही चेहरे ज्यादा दिखते हैं, लेकिन आज आप सबके बीच में आकर आप सभी लोगों से मिलकर और ऐसे नए सब लोगों को देख करके मेरे अंदर भी उत्साह का निर्माण हुआ है। पूरे उत्तर प्रदेश में इस समय भारतीय जनता पार्टी के द्वारा सभी विधानसभाओं में प्रबुद्ध सम्मेलन के आयोजन हो रहे हैं। 5 सितम्बर शिक्षक दिवस से प्रारंभ करके 21 सितंबर तक 15 दिन में 403 विधानसभाओं में आप जैसे सभी प्रबुद्धजनों के साथ संवाद करना, अपनी बात आप सब तक पहुंचाना, उस दृष्टि से यह एक संगठन की योजना बनी है। उसी क्रम में आज अपनी विधानसभा का यह प्रबुद्ध सम्मेलन है। मैं कोई नया विषय आप सबके सामने रखने वाला नहीं हूं, क्योंकि आप सब बनारस संसदीय क्षेत्र के रहने वाले सभी प्रबुद्ध जन हैं और माननीय प्रधानमंत्री जी हम सबका नेतृत्व यहीं से करते हैं, इसलिए पूरे देश में क्या हो रहा है, उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है, मुझे लगता है कि आप सबको मुझसे ज्यादा शायद जानकारी होगी, इसलिए मैं कोई उपलब्धियां योजनाएं जानकारियां शायद आपसे कम ही जानता हूं, इसलिए मैं उनकी चर्चा आज यहां पर नहीं करूंगा। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं, इसलिए अपने संगठन के बारे में अपने विचार के बारे में मैं आप सबके सामने कुछ बिंदुओं को चर्चा रखना चाहता हूं, जो वास्तव में समाज का नेतृत्व करता है, इसलिए उस वर्ग तक अपनी बात सही प्रकार से पहुंचनी चाहिए, क्योंकि आप सब नेतृत्व करने वाले लोग हैं, आप केवल मात्र एक व्यक्ति नहीं है, आप पूरे कई लोग जो यहाँ पर बैठे होंगे वो कई वहां तक ये भारतीय जनता पार्टी के, अगर मैं कहूं प्रधानमंत्री जी हम सबसे मन की बात करते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के मन की बात क्या है तो शायद वो कुछ मुद्दे मैं आप सबके सामने रखना चाहता हूं।
माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आज भारतीय जनता पार्टी ने दुनिया का सबसे बड़ा संगठन बना है। 2014 से लेकर 2021 तक इन 7 वर्षों में देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी दुनिया का सबसे बड़ा संगठन 18 करोड़ सदस्यों के कारण से आज भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है। भारत के अंदर सबसे ज्यादा सांसदों वाली कोई पार्टी है तो भारतीय जनता। आज उत्तर प्रदेश की पहचान है तो माँ गंगा के किनारे पर होने वाला दिव्य और भव्य कुंभ, ये उत्तर प्रदेश की एक नई आइडेंटिटी है। अब उत्तर प्रदेश को लोग कास्ट का स्टेट नहीं कहते, अब उत्तर प्रदेश को कोई क्राइम का स्टेट नहीं कहते, कोई करप्शन करप्ट का स्टेट नहीं कहते। आज लोग कहते हैं कि आप उत्तर प्रदेश किन लोगों का स्टेट है, उत्तर प्रदेश की। आइए जानते हैं प्रबुद्ध सम्मेलन के 2022 के विधानसभा चुनाव में क्या लाभ मिलने वाला है भाजपा सरकार को। देश के विकास में, समाज के विकास में जो हमारा बुद्धिजीवी वर्ग है उनकी अहम भूमिका होती है। आज वाराणसी उत्तरी विधानसभा के जो हमारे बुद्धिजीवी वर्ग हैं, अध्यापक हैं, शिक्षक हैं, अधिवक्ता हैं, इनका सम्मेलन रखा गया है। इस सम्मेलन में देश के उत्थान में जो माननीय मोदी जी, माननीय योगी जी काम किए हैं उसको लेकर के चर्चा है, और चर्चा के बाद घर घर तक इस विषय को कैसे पहुंचाया जाए, और निश्चित तौर पर जो ऐतिहासिक काम हुआ है वह घर घर तक पहुंचेगा। आजकल कुछ लोग गुमराह माफिया हो गए हैं, जैसे NRC पर, CA पर मिसगाइड करते हैं कि ऐसे करने से देश के मुसलमान निकाले जाएंगे, जबकि ऐसा था नहीं। लेकिन कुछ नौजवानों को गुमराह करके उन्हें आंदोलन बैठाया था, ठीक उसी प्रकार से जो किसानों को मिसगाइड करके गुमराह किया और ये कहा कि किसान बिल आने से किसानों का बड़ा नुकसान होगा, जबकि किसानों का काफ़ी भला हुआ है। तो जो गुमराह करने वाले माफिया हैं, मिसगाइड करने वाले, यह समाज को गुमराह न करने पावे, ऐसे में जो बुद्धिजीवी वर्ग है जो चीज़ों का अध्ययन करता है, जानकारी रखता है, वो समाज के हर तबके तक विषय को रखना चाहिए। डॉक्टर दयाशंकर मिश्र दयालु, उपाध्यक्ष पूर्वांचल विकास बोर्ड। आज वाराणसी शहर उत्तरी का प्रबुद्ध सम्मेलन यहाँ महात्मा गांधी सभागार काशी विद्यापीठ में आयोजित है, जिसमें समाज के उन समस्त प्रबुद्ध जनों को यहाँ आमंत्रित किया गया है, जिसके लिए आज हमारे उत्तर प्रदेश के प्रभारी माननीय सुनील बंसल जी आ रहे हैं, और उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार, माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार और माननीय योगी जी की सरकार की जो उपलब्धियाँ हैं उन सबसे अवगत कराने के लिए समाज के उस तबके को, जिनके पास वक्त नहीं होता या जो राजनीति से जिनका बहुत मतलब नहीं होता लेकिन समाज के प्रति वो बहुत जागरूक होते हैं, समाज जिनके इशारे पर चलता है, ऐसे समस्त प्रबुद्ध जनों को आज यहाँ एकत्र किया गया और उन्हीं के लिए ये बैठक आयोजित की गई है। राजेश त्रिवेदी, प्रदेश सह संयोजक हूँ मैं MSME प्रकोष्ठ उत्तर प्रदेश का, भारतीय जनता पार्टी में। और आज यहाँ पे जो ये प्रबुद्ध वर्ग का सम्मेलन आयोजित है, इसके पीछे जो निहितार्थ वह यही है कि भारतीय जनता पार्टी जो भी कार्य प्रबुद्ध जन के लिए कर रही है, समाज के लिए कर रही है, वह इस तबके तक पहुँचे, लोगों को यह विश्वास जगे कि भारतीय जनता पार्टी प्रबुद्ध जनों के लिए उत्तर प्रदेश में बहुत कुछ कर रही है। और हकीकत भी है कि प्रबुद्ध वर्ग बहुत संतुष्ट है इस सरकार से, क्योंकि जब जन सामान्य को मिलने वाली सुविधाएं उस तक पहुंचती हैं तो सबसे ज्यादा खुशी प्रबुद्ध वर्ग को ही होती है। क्राउन टाइम्स ब्रेकिंग न्यूज की खास खबरों को देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। क्राउन टाइम्स की खबरों को फेसबुक पेज पर देखने के लिए पेज को लाइक जरूर करें।